सो वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त होंगे, आंसर्स होंगे। सो ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आज को मैं आप लोग का जो भाई है ना, कुछ इस टाइप से AI फोटो एडिटिंग सिखाने वाला है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, जितने सारे आप लोग YouTube के ऊपर देखते हो ना, वो सारे क्रिएटर्स आप लोग को घुमा फिरा के तो ज़रूर ही बताते होंगे, लेकिन आज को मैं आप लोग का जो भाई है ना, कुछ इस टाइप से आप लोग को AI फोटो एडिटिंग सिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग को हर एक वीडियो में मैं सारा सच्चाई के साथ ही बताता हूँ। ओके, जितना बताता हूँ एकदम आप लोग को 100% गारंटी के साथ ही बताता हूँ। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सो वेल मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग भी इस फोटो को देख सकते हो। ओके, जैसे कि इस फोटो का भी ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया था, जहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला था। ओके, देन आफ्टर आप लोग इस फोटो को देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बवाल दिख रहा है। सो ओ मेरे प्यारे दोस्तों, सो आप लोग को भी आज को मैं आप लोग को ना कुछ इस टाइप से आप लोग को AI फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जो कि एकदम आसान तरीके से मैं सिखाता हूँ। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी सारे क्रिएटर्स आप लोग को घुमा फिरा के बताते होंगे। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर लेता हूँ, ओके, मेरा जो ओरिजिनल फोटो था, सिंपल यहाँ से क्या करता हूँ, आराम एंड कम समय में भी बताऊँगा। सो मेरा ओरिजिनल फोटो सिंपल यहाँ से क्या करता हूँ, शेयर पर क्लिक कर देता हूँ। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, अगेन यहाँ से क्या करता हूँ, अपने ओरिजिनल फोटो को ले लेता हूँ, शेयर वाला आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, एंड यहाँ से अपने फोटो रो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो मैं सिंपली ले चलता हूँ। ओके, तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, फोटो हमारा कटआउट चलो, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम आराम तरीके से एंड बारीकी तरीके से मैं समझाऊंगा। ओके, मेरा फोटो का जो बैकग्राउंड है कटआउट हो चुका है। ओके, तो मैं ऐसे कुछ सेकेंड्स वेट कर लेता हूँ। ओके, देन आफ्टर आप लोग जो तीसरा नंबर पर दिख रहा है, सिंपली इसे मैं क्या करता हूँ, ऐसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओपन करके देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, इस फोटो को एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सेव टू गैलरी में कर देता हूँ। इतना सा ही काम रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट स्टेप आप लोग का जो हो गया। अगेन आप लोगों को शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन आफ्टर आप लोगों को फोटोलिप एप्लीकेशन दिख रहा होगा जिसके ऊपर मैंने टैप किया है, सिंपली उस एप्लीकेशन के अंदर अपना जो फोटो है वो ले चलना है। ओके, इतना सा तो काम आप लोग को कर लेना है। देन आफ्टर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा AI फिल्टर, तो सिंपली मैं AI फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ, एंड लास्ट में आप लोगों को दिख ही रहा होगा स्किन्स का आइकॉन, इतना तो आप लोगों को तो करना ही आता ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो प्रोसेस चालू है। तो मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ वही आप लोग यूज़ करना। ओके, जैसे कि आप लोगों को नीचे के साइड में दिख रहा होगा तीन, ओके, ये देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, फैंटेसी एक हो गया, विजर्ड है एक शायर। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, फैंटेसी पे जाके पांचवें नंबर को जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो इसमें भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का होता है। ओके, सो यहाँ से मैं कुछ सेकंड वेट करना, देख सकते हो कितना भौकाल तरीके से मेरा जो यहाँ पर बन चुका है पिक। ओके, तो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। ओके, मैं ऐसे वीजा टाइप पर क्लिक करके पांचवें नंबर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो एकदम बारीकी तरीके से समझा रहा हूँ मेरे दोस्तों, ज़्यादा मैं स्पीड भी नहीं बोल रहा, हड़बड़ी में भी आप लोगों को नहीं सिखा रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग एकदम आराम तरीके से सीखो। एक बार मैं शेयर पर भी क्लिक कर देता हूँ, पांचवें नंबर को जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना कम समय में आप लोग इतने बारीकी तरीके से कोई नहीं समझाता होगा यूट्यूब के ऊपर, मुझे पता है। मैं ऐसे क्या करता हूँ, फैंटेसी वाला ही ले लेता हूँ पांचवें नंबर पे। आगे यहाँ से राइट कर लेता हूँ, आप लोग को कॉर्नर में दिख ही रहा होगा सेव का आइकॉन। तो सिंपल यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, सेव वाला आइकॉन पे क्लिक करके शेयर वाला आइकॉन पे क्लिक करके सिंपल इसे ले चलता हूँ अपने पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ओके, सो वेल मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सा तो काम कर लेना। देन आफ्टर आप लोगों ने जो मॉडल को कटआउट किया था, सिंपल उस मॉडल को यहाँ से ले आना है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, इतना सा ही तो काम है आप लोग को। सो इतना सा ही काम तो आप लोग कर ही नहीं पाते, लेकिन वो आप लोग का जो भैया सिखा दे रहा है। ओके, सो इस टाइप से फोटो एडजस्ट कर लेना है। ऊपर के साइड में आप लोग को दिख रहा होगा इरेज का आइकन, तो इरेज को मैं क्लिक कर देता हूँ। हमारा जो भी पार्ट था सिंपली मैं उसे इरेज नहीं करूंगा, जो मेरा मेन पार्ट है कपड़ा, तो सिंपली मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपने कपड़े को जो इरेज कर लेता हूँ। ओके, एकदम आराम तरीके से इरेज करना होगा, हड़बड़ी नहीं मेरे पहले। सो हड़बड़ी जितना करेगी उतना ही आप लोग का जो फोटो है ना बेकार रहेगा। यहाँ से मैं इसका हार्डनेस बढ़ा लेता हूँ। ओके, हार्डनेस बढ़ा के क्या करता हूँ, एकदम बारीकी तरीके से जो यहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ। ओके, इतना से तो काम आप लोग एकदम आराम से कर ही लोगे मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो इतना सा काम आप लोग जो है एकदम समय निकाल के करना। ओके पहले दोस्तों, इतना बारीकी तरीके से कोई नहीं समझाता है, मुझे पता है। YouTube के ऊपर आ सकते हो इतने कम समय में एंड इतने बारीकी तरीके से तो कोई किसी ने भी नहीं समझाया मेरे पहले दोस्तों, इतना तो मुझे गारंटी है कोई नहीं सिखाता है। सो देख सकते हो मैंने कितने आराम तरीके से एंड कितने अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। सो इतना सा काम तो करना ही रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। सो AI फोटो एडिटिंग के अंदर बात को समझ रहे हो ना, देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के आँख के सामने अंदर मैंने AI फोटो एडिटिंग जो है आप लोगों को करके दिखा चुका हूँ। ओके, सो आई होप कि आज को आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक टाटा बाय बाय।